नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करेंगे और आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 15 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें, नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज होने जा रहा है और राजभवन में आयोजित किया जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में आपको बता दें, करीब 4 बजे के करीब यह आयोजन किया जाएगा और आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 15 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें से आपको बता दें, 11 कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो जबकि 3 राज्य मंत्रियों के तौर पर शपथ लेंगे। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम लोगों को एक नई सोच, एक नई पहल, एक नई दृष्टिकोण के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस दोबारा जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ लोग समझते हैं कि हर 5 साल में बदलाव होगा। उस परिपाटी को, उस मानसिकता को बदलने के लिए हम लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है और वही काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है, संगठन भी कर रहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला था, सोनिया जी से लंबी चर्चा मेरी हुई, अनेक मुद्दों पर बात करी और अंत में जो भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 साल में मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैंने पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से निभाया है और आने वाले समय में भी जो मुझे पार्टी निर्देश देगी, जहाँ पर मुझे काम देगी या मेरी उपयोगिता समझेगी, मैं वहाँ पे जाकर काम करूँगा, पूरी ताकत से काम करूँगा। राजस्थान का फिर क्या होगा? राजस्थान में 2023 में सरकार दोबारा हम बनाएंगे। बात मेरी अकेले की नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, हम लोगों ने सिद्धांत को लेके एक प्रिंसिपल पे इशू उठाया था, उसका निराकरण, उसमें आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, एक संतोष की बात है। और जैसे मैंने कहा, पूरे जो 30 मंत्री बन सकते हैं, 30 मंत्री बनाए हैं, लेकिन कोशिश यही की गई है कि इसमें किसी को छोड़ा ना जाए। हर तबका, हर समाज और हर क्षेत्रीय भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए ये इसका निर्माण किया गया है। जैसे मैंने कहा, इसमें SC ST महिला, इनका जो रिप्रेजेंटेशन पहले था वो कई गुना बढ़ा है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। तो ऐसे में आज आपको बता दें, गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का कायाकल्प होने जा रहा है। 4 बजे मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है और साफ तौर पर जो गहलोत और पायलट में लड़ाई थी वो खुलकर सामने आ चुकी है। और आपको बता दें कि 3 पायलट खेमे के मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। तो ऐसे में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें कुल 15 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में 4 बजे आयोजित किया जाएगा जिसमें 3 पायलट खेमे के मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। तो ऐसे में, यानी कि जो काफी समय से ये उथल पुथल चल रही थी राजस्थान कांग्रेस में, वो अब खत्म होती नजर आ रही है।